अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, सभी के सभी एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर टेस्ट देके जाइएगा। जिनको मालूम है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिनको मालूम है कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। अगर आप सच में व्यापम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हॉस्टल वार्डन का 50 क्वेश्चन, सहकारिता विभाग के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कंप्यूटर का, है ना, और आगामी एग्जाम जैसे कृषि विभाग में आपका 558 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आने वाली है, ठीक है। बहुत सारे अभी जो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो आज की हम क्लास करेंगे सहकारिता विभाग के 15 नंबर के लिए। डेली एमसीक्यू आप सभी के लिए करा रहे हैं, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रख लें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। टोटल कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन यानी कि इनवैलिड वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो का संकल्प है? ऑप्शन होगा इसका पी, कितना हो जाएगा आपका 800 × 680, ऑप्शन पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर शब्द, जो सॉफ्टवेयर शब्द है आपका उसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रथम किसने किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन वी टुके, ठीक है। तीसरा है लाइव क्लास के बारे में बात करें तो लाइव क्लास हमारा शाम 5 बजे होती है, ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा लैंग्वेज मुहावरा एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम पैटर्न नंबर। डॉट के द्वारा यानी कि खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग यानी कि सपोर्ट किया जाता है, इसका आंसर बी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, भाषा को समझने के लिए, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है, तो भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद यानी कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। तो मशीन को नहीं होती, क्योंकि देखिए मशीन है उसको भाषा अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती, और आवश्यकता किनको होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उच्च लैंग्वेज को, हाई लैंग्वेज, है ना, चौथी पीढ़ी को, असेंबली भाषा को। लेकिन इसका आंसर क्या है आपका, सी है। देखिए इसके बाद है पांचवा, आईबीएम यानी कि स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर यानी कि एएससीसी, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मार्क वन। क्वेश्चन छठवा है, एक कंप्यूटर में कौन से पंखा से फैन जुड़ा होता है? कौन से पंखा से फैन जुड़ा होता है? इसका आंसर आपका होगा, किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है। और सभी का फुल फॉर्म क्या होगा, जिनको मालूम है कमेंट करके बताते चलिएगा, ठीक है, जिनको मालूम है सभी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताते चलिएगा। चलिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैडम एक्सेस मेमोरी, क्या होगा, रैडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है आपका वीडियो, वीडियो का फुल फॉर्म की क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। रोम का क्या होगा वैसे, रोम का आपका होगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। उसी प्रकार सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम यानी कि साइक्लेंडर ड्रम होता है? ड्रम इस प्रकार होता है, देखिए यहाँ पर हम आपको ऑप्शन के तौर पर बता रहे हैं, ये मान लीजिएगा यहाँ से ये हम बनाते हैं इस प्रकार, ये वाला टॉपिक, और हम यहाँ से इसको लेते हैं, ये आपका ड्रम हो गया ये, ठीक है। तो जो बेलना का ड्रम होता है, ड्रम में साइकिलिंग होता है तस्वीर ग्राही, यहाँ पर जो तस्वीर ग्राही होता है आपका, तस्वीर ग्राही होता है आपका, ठीक है, वह क्या कहलाता है? तो वह आपका इंकजेट प्रिंटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सॉरी लेजर प्रिंटर। इसका आंसर डी होगा, लेजर प्रिंटर।
ठीक है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है गोल्फ वॉर प्रिंटर है, क्या है? एक डेजीविल प्रिंटर है। देखिए प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया है, तो नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रिंटर की जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे। इसका जो टॉपिक है आपका प्रिंटर का, प्रिंटर का हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे कल की क्लास में, ठीक है। कौन सा एक युग्म मुफ्त ऑपरेटिंग फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बोला गया है? तो इसका आंसर आपका होगा माई एसक्यूल। माई एसक्यूल ऑप्शन ए, ठीक है। इसकी जो क्लास है हम कल लाइव क्लास में लिए हैं, बहुत ही अच्छी क्लास थी। कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? संस्करण नहीं है तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम ऑप्शन सी। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कंप्यूटर को बूट करने पर स्क्रीन प्रदर्शित करता है, और जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या होगा आपका? लॉगिन करेगा तो आइकन, फोल्डर, डेस्कटॉप, लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी डेस्कटॉप। आप सभी को मालूम है F12 यानी कि F12 बटन दबाने से क्या होता है? इसके दबाने से आपका सेव एस, सेव अस यानी कि डायलेक्स बार। ऑप्शन ए। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में एक पेज को सेटिंग करने के लिए यानी कि मार्जिन प्रदान करते हैं। मान लीजिएगा सेट है, मान लीजिएगा एक सेट रहता है हमारा इस प्रकार का, उसको मार्जिन प्रदान करते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार का रहेगा कॉपी में नोट का, इसको हम मार्जिन प्रदान करते हैं, तो पेज का क्या होगा? इसका ऊपर ऑप्शन डी, ये वाला ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं, ये सभी को हम मार्जिन प्रदान करते हैं ना। जैसे देखिए कॉपी रहता है हमारा, कॉपी में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार लिखते हैं ना, उसी प्रकार ये आपको मार्जिन प्रदान करता है। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम की आवश्यकता होती है। आंसर ये होगा सर्च इंजन का उपयोग होता है। तो सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडो के लिए करते हैं, वीडियोस के लिए करते हैं, पहले बात। दूसरा बात है आपका डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं। तीसरा बात है सॉफ्टवेयर के लिए। का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर में क्या जुड़ा होना चाहिए? क्या जुड़ा होना चाहिए? IAB, IS, ISP। 16 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, ठीक है। कंप्यूटर वायरस सामान्यतः क्या छिपा होता है? क्या छिपा होता है उसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार में आपके कंप्यूटर को जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर देता है और अपने वेबसाइट साइट को टॉपिक से संबंधित विज्ञापन में एड्स आपकी भेजता है? क्या आएगा? बैकडोर, एडवेयर, मालवेयर, बूट्स। का आंसर आपका होगा बैकडोर, बैक डोर, ठीक है। आमतौर पर गुप्त रूप से ट्रैपली की कन्वर्टी करता कीबोर्ड में, का आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, की लॉगिंग। इमेज का सबसे छोटा रूप, ये तो थंबनेल होगा। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी एग्जाम में पूछा है, MPEG है ना। MPEG क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा मूविंग पिक्चर इमेज के लिए। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने का आवकरण होता है, क्या आएगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा? देखिए जो इंटरनेट में आपका ऑडियो होता है, तो वीडियो में सिग्नल भेजने के लिए, मान लीजिएगा आपका ऑडियो,
ये आपका हो गया ऑडियो, अब यहाँ से वीडियो है, अब यहाँ से डायरेक्ट हम इसमें सिग्नल भेजेंगे, तो इसमें क्या आवश्यकता होती है? सिग्नल भेजेंगे तो इसका ऑप्शन डिजिटेड सी होगा। एक हार्ड डिस्क में ट्रैक में विभाजित होता है, जो पुनः उप विभाजित में यानी कि सब डिवाइडेड हो जाता है, तो क्या होगा? इसका आंसर आपका 23 का बी सेक्टर। कौन सा अलग है ऐड में, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी डिस्क या बायोस? तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि बायोस जो है बिल्कुल अलग है, बायस है जो आपका बिल्कुल अलग है। फ्लॉपी डिस्क में होता क्या है, तो सर्कल ट्रैक, सेक्टर ए और बी दोनों या उपयोग तो में से कोई नहीं। जो फ्लॉपी डिस्क होता है आपका, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का उसमें जो हम बांटते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो सर्कल होना चाहिए उनमें और उसके बाद सेक्टर होना चाहिए। इसका आंसर आपका सी होगा। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिएगा आपका सीडी रोम है, उसमें जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग? इसका आंसर क्या होगा? 26 का आंसर आपका ए होगा, बर्निंग। ठीक है, एक बात और, शाम 5 बजे लाइव क्लास होती है, जिनको तैयारी करना है आ जाइएगा शाम 5 बजे लाइव क्लास में, डेली आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आज शाम 5 बजे आपकी क्लास रहेगी हिंदी से, हिंदी भाषा, व्याकरण, मुहावरा, लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ की हिंदी के टॉपिक से लेंगे, इसमें आपका 10 नंबर के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे आप पीएससी के एग्जाम की तैयारी करें या फिर व्यापम का, है ना, कंटिन्यू पूछता है 10 नंबर का। समास है, संधि है, कारक है, विभक्ति है ना, बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन आप इतने कम समय में कैसे पढ़ोगे? तो टॉपिक वाइज पढ़ो ना भाई, क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, रस, दोहा, छंद, अलंकार बहुत सारे होते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, डेली कंटिन्यू कीजिएगा। कौन सा गूगल का पेमेंट जो प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा आपका बी चेकआउट। ठीक है, कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर आप सभी को मालूम होगा, याहू, गूगल, मोजिला, अस्ता विस्ता, क्या होगा? 28 का आंसर मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला क्या आ जाएगा? मो जी ला फायरफॉक्स। ठीक है, चैटिंग के उपयोग में होने वाला स्टैंड मैनेजर कौन सा है? गूगल ट्रैक, अल्ता विस्ता, माइक, यूट्यूब, क्या है? 29 का बताओ, 29 का बताओ क्या आएगा? आंसर है गूगल ट्रैक, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी बताइएगा, क्या आएगा इसका आंसर? आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में बीच में जो बाधा उत्पन्न करता है, मान लीजिएगा, देखिए आपका कंप्यूटर है, इस प्रकार आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर आप कंप्यूटर में बैठे हो, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, अब कंप्यूटर की दुनिया में जैसे आउटसाइड वर्ल्ड होता है, बीच में जो बाधा उत्पन्न करता है, इसमें जो कनेक्टिंग रहता है, यहाँ से कनेक्टिंग रहता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर आप क्या आएगा? फायरफॉल, नेटवर्किंग, इंटरनेट या इंटरनेट, है ना? तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और बताइए आप सभी वीडियो कैसा लगा, हमारा जो वीडियो है, हमारा परफॉर्मेंस है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अगर और पहली बार आए हैं तो वीडियो को हमारा सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वो क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल 30 MCQ हमने आपको करा दिए हैं, अगर आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं, इसका PDF पाना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं, उसमें आपका फीस रहेगा मात्र 300 रुपये,
यानी कि अगर मेंबरशिप में अच्छी क्वालिटी का वीडियो चाहिए आपको, तो आपको 299 रुपये में मिलेगा पैड में, ठीक है, पैड क्लास मेंबरशिप में। आपको वहाँ पीडीएफ मिलेगा, लाइव मिलेगी, डाउट क्लियर होगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय।